नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज से 5 दिनों के लिए एक परीक्षा महायज्ञ आरंभ होने जा रहा है। जी हाँ, मैंने इसको परीक्षा महायज्ञ इसलिए कहा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शायद ही किसी परीक्षा में बैठते हो। लगभग आधा करोड़ परीक्षार्थी, 50 लाख से थोड़े से कम, इस पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और आज से परीक्षा आरंभ हो रही है। 3 दिन लगातार चलेगी, फिर जन्माष्टमी के लिए 2 दिन अवकाश रहेगा, फिर उसके बाद 2 दिन होगा, तो 5 दिन चलेगी ये परीक्षा। ये परीक्षा वो है जो इसी वर्ष फरवरी में हुई थी, लेकिन पेपर आउट हो जाने के कारण उस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था। ये वही परीक्षा हो रही दोबारा से। ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा भी है और ये पुलिस की परीक्षा भी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी परीक्षा के लिए इतने सघन, इतने व्यापक, इतने घनीभूत प्रशासनिक इंतजाम नहीं देखे गए जितने इस परीक्षा के लिए किए हैं योगी सरकार ने। और संभवतः देश में अभी तक किसी परीक्षा के लिए इतने प्रशासनिक इंतजाम नहीं हुए होंगे। सारे प्रदेश का अमला इसी में लग गया। पुलिस का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्मचारी अधिकारी सब इसमें झोंक दी गए कि किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाली कहावत भी है। प्रशासन भी इस बार 100% वाली व्यवस्थाओं की ओर तत्पर है। 99.9% का मामला नहीं, जहां शक वहां छापा, जिस चीज पर दुविधा उसे हटाओ। हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे में एक घड़ी होनी चाहिए, ये एक बात आई थी। तो करीब 17-18 हजार घड़ियां खरीद कर एक दिन में लगवा दी गई। परीक्षा केंद्रों को लेकर बेहद सावधानी बरती जा रही है। हर परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने के लिए एक सेपरेट गाड़ी। पुलिस में दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर और ऊपर SDM और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट तक सबकी ड्यूटी है फील्ड में, कि फील्ड में रहिए, देखिए। और केंद्र प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है हर प्रशासनिक अधिकारी को। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार कोई भी किसी भी किस्म का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए इस परीक्षा को लेकर वैसे इंतजाम किए गए हैं जिनको आप कह सकते हैं युद्ध जैसे इंतजाम। तकनीक का सर्वोत्तम इस्तेमाल हो रहा है। तकनीक के जरिए फ्रॉड को, सॉल्वर गैंग को, पर्चा आउट कराने वाले माफियाओं को, सबको नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है। एक्सपर्ट्स की भूमिका तय की गई है। और इन सब के अलावा आपने सुना ही होगा कि बस में आप एडमिट कार्ड दिखाइए तो बिना किसी शुल्क के आना जाना रहेगा अभ्यर्थी का और उसके साथ एक व्यक्ति का। तो कुल मिलाकर ये कि उत्तर प्रदेश के लिए आज से 5 सबसे महत्वपूर्ण दिन शुरू हो रहे हैं। करीब 60 हजार के आसपास की भर्ती भी है, तो बड़ी भर्ती है। और इस भर्ती में कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे अभ्यर्थियों का विश्वास डगमगाए, इसके लिए सरकार ने अपनी समूची शक्ति और सामर्थ्य इसमें लगा दी है, इस भर्ती को सुचारू रूप से करवाने के लिए। ये जान लीजिए। अब करीब 6-6.5 लाख अन्य राज्यों के नौजवान भी इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं।
तो एक तरह से ये राष्ट्रीय भर्ती कह लीजिए, 6.5 लाख भी अभ्यर्थियों की संख्या ठीक ठाक होती है जो गैर उत्तर प्रदेश वाले अभ्यर्थी हैं, भारत के अन्य राज्यों के। और बहुत लंबे समय बाद इतनी बड़ी भर्ती भी आई है जिसमें इतने पद हों शामिल। और भर्तियों को लेकर चूंकि पूर्व के अनुभव बहुत कड़वे रहे हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर, तो इसलिए इस बार लग रहा है कि योगी जी ने अपना पूरा फोकस इस परीक्षा पर रखा है। और खुद मुख्यमंत्री कार्यालय और खुद मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ इस पूरी परीक्षा के एक एक घटनाक्रम से पर नजर रखे हुए हैं, एक एक घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। अन्यथा होता है कि सामान्यतः परीक्षाओं का मामला एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ अधिकारी शामिल होते हैं, वही लोग निपटा लेते हैं। लेकिन इस बार चूंकि फरवरी में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जब ये पेपर लीक हो गया था, तो उससे सरकार की प्रतिष्ठा पर भी आँच आई थी, अभ्यर्थियों का मनोबल भी टूटा था और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी उस पेपर लीक का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इसलिए अब हर कदम फूक फूक कर, हर कदम फूल प्रूफ, कहीं कोई लोचा ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और आप मानकर चलिए कि अगर 50 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो एक अभ्यर्थी के साथ का परिवार 5 का मानकर चलिए, तो 2.5 करोड़ लोग इससे जुड़ते हैं सीधे। और फिर 72 परिवार की संकल्पना देखेंगे तो उसके हिसाब से तो बहुत बड़ी आबादी इससे जुड़ जाएगी। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी घटना यही है, पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन। हर गांव, शहर, गली, कस्बे में आप कहीं भी जाइए, ये पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सक्रियता, हलचल आपको दिखेगी। इसीलिए मैंने कहा था ये महायज्ञ है, या इसको कह लीजिए महाकुंभ, पुलिस भर्ती का महाकुंभ। वैसा ही बड़ा, वैसी ही बड़ी व्यवस्था और वैसा ही बड़ा जनसमूह इसमें शामिल। तो बस फिंगर क्रॉस करके रखिए, क्योंकि प्रदेश की प्रतिष्ठा, करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं और सरकार का इकबाल, सब कुछ परीक्षा से गुजर रहा है इन 5 दिनों। धन्यवाद।